ये साधु है सारे बड़ा आ गया आ गया सुन ठीक है सुन ठीक है चल करो ठीक। मैं आपको बताऊंगा कि ये मनोरमा विहार है और यहाँ पर दो लोगों की जो है डेड बॉडी मिली है घर से। बड़े ही रहस्यमय तरीकों से दो लोगों की जो है डेथ हुई है और ये दोनों हस्बैंड वाइफ बताया जा रहा है, जो कि अभी तक की खबर है कि 60 से 65 साल की उम्र है। और आप देख सकते हैं ये वो घर है। पुलिस यहाँ पर ये पता चला है कि ये जो है रिटायर्ड प्रिंसिपल, अभी तक हमारे पास खबर आई है। और इसके अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि उनके परिवार के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो यहाँ पर अभी बात भी करेंगे। और ये आप प्लीज मैं आपको बड़ा कॉल करती हूँ, प्लीज आज ही मुझे आप थोड़ा सा बताएंगे कौन प्लीज आप मेरे ब्रदर हैं, अच्छा। भाभी हैं दोनों, मुझसे कुछ नहीं बोला जाएगा प्लीज। अकेले रहते थे, अकेले में बेटियां भी गई हैं। अच्छा। ओ एक तो लंदन में है और एक हिमाचल में आ रही थी वो नवंबर में, हम सभी यहीं पे थे। आके तो क्या नाम? संजय चंदेल, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। और इनकी वाइफ? इनकी वाइफ वो हाउस वाइफ है, घर में ही है दोनों जने आपस में। उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, वो चल भी नहीं सकते हैं। आप प्लीज मुझे बस इतना ही मैं बोल रही हूँ। ये अभी जो परिवार के लोग हैं वो इस कंडीशन में नहीं है कि बात कर पाए। अभी जो थोड़ी सी जानकारी दी है वो इन्होंने ही यहाँ पर अभी ये जानकारी दी है। मैं आपको बताऊंगा कि ये सुरजीत जी भी यहाँ पर हैं, पहले इंफॉर्मेशन के अंदर जो है जॉब कर चुके हैं। सुरजीत जी क्या लगते थे आप? ये मेरे भाई थे सर, भाई थे मेरे, भाई और भाभी थे मेरे दोनों। क्या बात है, क्या पता सर? हमें कोई पता नहीं चला, मैं तो ऑफिस में था। तो जैसे मैं 7 बजे ऑफिस में ही था अभी, तो मुझे फोन आया, मेरे जीजा जी वो कुठुआ गए थे, उन्होंने फोन किया सुरजीत तू कहाँ है? मैंने बोला मैं तो ऑफिस में हूँ। कहता जल्दी जा यार, उनको किसी ने, उनकी डेथ हो गई है दोनों की। फिर मैं जैसे पहुंचा तो इधर आगे जे आ गए थे पुलिस वाले, आ गए थे। तो मेरा भाई गया था अंदर, वो अंदर देख के आया उनको, ये दोनों को कोई मार गया उनको दोनों को। हाँ इधर निशान शून लगे हैं, इधर इधर निशान है, इधर निशान है, और साथ में दुपट्टा ही पड़ा है। 3 पर्स पड़े हैं उधर, क्या नाम है, बेड पे पड़े हैं। तो ये प्रिंसिपल रिटायर थे, अभी हुए थे ये 23 में हुए थे ये बच्चे बाहर। हाँ इनकी दो बेटियां हैं, एक इंग्लैंड में है तो दूसरी चंडीगढ़ में है। हाँ वो डॉक्टर की ट्रेनिंग कर रही है। तो ये दोनों यहाँ? हाँ अकेले रहते थे दोनों ये। वो ये जो मेरे भाई थे ना, वो खुद बेचारे बीमार थे, वो ऐसे चलते थे, वो ऐसे खूब खूब वो चलते थे। अभी उनको पीछे उनका कोई साल हुआ था, उनका ऑपरेशन हुआ था, वो उनको पीस में तो पड़े। हाँ 3 पर्स पड़े हैं अंदर, 3 पर्स पड़े हैं, खुले पड़े हैं। चोरी? हाँ चोरी, हाँ वही है, वही है, वही है। और गैस भी जली, गैस भी खुली थी, गैस भी खुली थी, फिर इन्होंने बंद की आके, इन्होंने बंद की गैस। आप ये आपको पता चला तो फिर आप भी आए? जी मैं आया जी। तो उस टाइम तो अंदर दरवाजा खोल दिया था, पुलिस आ चुकी थी, तो उनकी बॉडीज पड़ी हुई थी। तो फिर गैस चली थी, पुलिस वालों ने बोला गैस जो है बंद कर देते हैं, बंद कर दिया। उनकी एक्चुअल लास्ट बात हुई है 12 बजे, अपनी बेटी जो है उनकी बाहर है। तो
बाकी पुलिस का अरेंजमेंट देख लीजिए, आपको कह रहा हूँ 3 घंटे हो गए अभी तक फोर्स सैनिक और लेबोरेटरी डॉग स्क्वाड बुला रहे, कोई नहीं आ रहा, ऐसे कर रहे जैसे मेरी मजाक है, परिवार के लोग अंदर भी नहीं जाने देते। आपने से भी किसी को अंदर नहीं जाने? ना, उनकी बहन है, उनकी भाभी है, सब लोग इधर आए हुए हैं, किसी को नहीं जाने दे रहे, मतलब ये ऐसे मजाक बना रहे हैं लोगों के साथ। ये अजय एलजी सरकार और क्या जी आप लोग थे, बीजेपी है जी हमारी पार्टी, जिसने जिसको हमने वोट दिया इतने सालों से, ये हालात किए कर दिए हमारे लोगों के साथ। रियली शेम ऑन सर पुलिस के साथ। ये रिटायर्ड प्रिंसिपल, रिटायर्ड प्रिंसिपल है, एक साल पहले रिटायर्ड हुए थे, तो वाइफ उनकी होम हाउस वाइफ थी, बाकी शरीफ आदमी, अथॉरिटीज का खुद पेशेंट थे, वो चल ही नहीं पाते, उसने किसी से क्या लड़ाई झगड़ा करना। ये बड़ी है जी एडमिनिस्ट्रेशन है जी हमारी। एक बड़ा ही दुखद समाचार इस समय सामने आया है, और आप देख सकते हैं कि ये वो घर है जहां पर अंदर हस्बैंड वाइफ दोनों, जिनकी उम्र 60 से 65 साल उम्र, एक रिटायर्ड प्रिंसिपल बताए जा रहे हैं, और इनके दोनों, इनकी दो बेटियां हैं, और दोनों इंडिया से बाहर अब्रॉड में जो है सेटल हैं, और अभी आज दोपहर के समय इनका मुताबिक उनकी बात हुई थी, लेकिन उसके बाद कोई पता नहीं क्या हुआ। जिस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोनों की डेड बॉडी अंदर पड़ी हुई है, गले के ऊपर कुछ निशान है, गला घोंटने के कुछ इस तरह के निशान हैं, तो अभी मिस्टीरियस कंडीशन में ही ये डेड बॉडी यहाँ पड़ी है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ पर्स भी, जो अभी इन्हीं के परिवार के लोगों ने बताया कि वहाँ कुछ पर्स भी पड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर कोई चोर आया हो चोरी के मंशा से, उसके बाद उसने ऐसे हमला किया हो। ये मनोरमा विहार इलाका है तालाब किलो का, जहाँ पर ये पूरा मामला सामने आया है। यहाँ इलाके के लोग सारे इस समय बाहर हैं, और दो हस्बैंड वाइफ को इस तरह से जो उनकी डेड बॉडी मिली है, बड़ी ही सोचने की बात है कि आखिरकार कैसे यहाँ पर ये। अभी देख सकते हैं पुलिस के जो लोग हैं यहाँ पर अभी जा रहे हैं, जो फॉरेंसिक के वगैरह जितने भी रहते हैं वो सभी यहाँ पर अभी जा रहे हैं अंदर, जो पूरा एविडेंस की जो है फोटोग्राफी करेंगे और बाकी एविडेंस चेक करेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि एसपी रूरल ब्रिजेश जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो ऑफिसर यहाँ पर खुद मौजूद हैं और पूरी इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये अनोरमा विहार का इलाका है, जहाँ पर ये हस्बैंड और वाइफ दोनों की जो है अंदर डेड बॉडी मिस्टीरियस कंडीशन में यहाँ पर मिली है। यहाँ पर जिन लोगों ने, जो परिवार के लोग जितनी बात कर पा रहे हैं, क्योंकि इनकी कंडीशन नहीं है कि वो इतनी बात कर पाए, जितनी वो बात कर पा रहे हैं उन्होंने अपनी तरफ से बताया है। और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरी टीम, ये डॉग स्क्वाड के लोग, ये सभी अभी यहाँ पर, ये टीम सभी जा रही हैं, और ये सारे एविडेंस वगैरह और जितनी भी फोटोग्राफी वगैरह वो सारी की जाएगी। ये पूरी टीम यहाँ पर पहुँची हुई है, और ये पूरा मामला सामने आया। इनके बच्चे जो हैं बाहर हैं, और दोनों इधर अकेले ही रहते थे, खुद रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, एक साल पहले ही रिटायरमेंट उनकी हुई है। बड़ा ही एक दुखद समाचार है। अब पूरा मामला क्या है, अब पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करेगी कि आखिरकार ये पूरा क्या मामला सामने आया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पूरी विजुअल्स आप इस समय मनोरमा विहार से देख रहे हैं, जहाँ पर ये पूरा वारदात सामने आई है। तालाब तिल्लो में दो लोगों की डेड बॉडी यहाँ पर मिली है मिस्टीरियस कंडीशन में, बड़े रहस्यमय तरीके से दो डेड बॉडीज यहाँ मिली हैं, और ये दोनों डेड बॉडी जिनकी है उनमें से एक रिटायर्ड प्रिंसिपल है, उनकी धर्मपत्नी है। बताया जा रहा है कि उन्हें, मतलब वो फिजिकली भी बीमार ही थे, चल भी नहीं पाते थे, अब जिन्होंने भी ऐसा काम किया